नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कहते हैं, यदि तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला जरूर लेती है और वो 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान उनसे डरकर रहते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन शिवजी के सबसे बड़े भक्त होते हैं और इन्हें शिवजी में बहुत ही आस्था होती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कॉमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए कि तब क्या हुआ होगा जब बिहार में नाग को मारकर पेड़ पर लटका दिया, फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख सब हैरान हो गए। दोस्तों ये घटना घटित हुई बिहार के एक गाँव में, जहाँ अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने सारी हदें पार कर दी। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव अरवल की, जहां दो दोस्त अभिषेक और मानव इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर निकलता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब अभिषेक और मानव शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ मौजूद था, उस समय दोस्तों वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुंकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसलिए उन दोनों ने पास में पड़े एक डंडे को उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और दोस्तों यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं था, ये तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु दोस्तों अभिषेक और मानव ने उस घटना के बाद से स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सबर का बांध अब टूटता जा रहा था। उसने निश्चित किया कि मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर उसी गाँव में पहुंच गई जहाँ अभिषेक और मानव रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय अभिषेक और मानव काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो अभिषेक और मानव को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और दोस्तों वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के तो होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे।
नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है, जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों और एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।